महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद से ही देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की बगावत के बाद। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या उद्धव और शिंदे कभी मुलाकात करेंगे आमने सामने बैठकर। जो मुलाकात की बात तब कर रहे थे उद्धव ठाकरे जब बगावत पर थे सभी नेता। इस बीच शिवसेना को लेकर लड़ाई जारी है, जहां पर शिवसेना का आधिपत्य यानी हक किसका रहेगा, ये कागजी तौर पर बहुत बड़ी जंग है। जी हाँ, इसका फैसला कोर्ट में होगा, जहां पर दोनों ही एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि उनके पास समर्थन ज़्यादा है विधायकों का, तो शिवसेना असल मायने में उनकी होनी चाहिए। तो शिवसेना के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे और उनका गुट ये दावा कर रहा है शिवसेना उनकी थी, है और हमेशा रहेगी। इस बात पर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा था कि शिवसेना का खून हमारी रगों में है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, उसके हम हकदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात आदित्य ठाकरे ने कही थी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आदित्य ठाकरे के कुछ ऐसे बयान हैं जिनकी तरफ गौर डालने पर मजबूर किया, यानी कि सोचने पर मजबूर किया कि क्या सचमुच आज भी मातोश्री के द्वार बागी विधायकों के लिए खुले हुए हैं। युवा सेना प्रमुख एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के उन बागी के लिए मातोश्री के दरवाजे खुले हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ठाकरे के शिव संवाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। जी हाँ, ये कुछ दिनों पहले ही खबर है जहाँ पर कहा गया था कि ये दूसरा दिन है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और शिवसेना के प्रति अपना प्यार और स्नेह दिखाने वाले लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए शिव संवाद यात्रा में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी में हाल के विकास के बाद भी ठाकरे की ईमानदारी का फायदा उठाकर ये सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी यात्रा के दौरान पिछले दो दिनों में बहुत से लोगों ने मार्गों पर उनका स्वागत किया और एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के बाद राज्य में जो हुआ उससे लोगों ने नाखुशी भी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनमें साहस है तो अपने वर्तमान पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें लोगों के नए जनादेश का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें जनादेश देंगे तो हम इसे शहर्स के साथ स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले भी खबर थी कि मातोश्री में मुलाकात होगी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, और दोनों चर्चा करते नजर आएंगे और चर्चा के साथ साथ कुछ निष्कर्ष शिवसेना को लेकर भी निकलेगा। दरअसल असल मायने में देखा जाए शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है। बाला साहब ठाकरे के बाद जो विरासत है वो अब उद्धव ठाकरे के हाथ में है। तो एकनाथ शिंदे गुट जब से बगावत पर गया था और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर भी बैठे तो कई बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसने की कोशिश करी, क्योंकि वो विपक्षी नेता हैं और उन पर तंज कसकर ये साबित करना चाहते थे कि हम उन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन शिंदे गुट ने ये धमकी पहले ही दे दी थी बीजेपी के कई नेताओं को, धमकी कहें या बातें कहें या बयान कहें, ये पहले ही कह दिया था कि उद्धव ठाकरे हमारे माननीय नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो शायद यही विचार उनका शिवसेना को लेकर भी है और उनकी छोटी सी राय यही है कि बाकी बचे नेताओं को भी शामिल हो जाना चाहिए इस समय शिंदे गुट में शिवसेना के साथ, और सबका भव्य स्वागत भी होगा। ये बातें तब समय समय पर सामने आती रहीं। लेकिन आप सबको बता दें, इन सब के बीच चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि आने वाले वक्त में क्या सचमुच बागी विधायकों का स्वागत होता नजर आएगा मातोश्री में, और चर्चाएं और बैठकें होती नजर आएंगी, क्योंकि बैठक का दौर जारी है। कैबिनेट विस्तार से पहले जितनी बैठक हो सक रही है बैठक कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दिल्ली जा रहे हैं और बार बार बैठकों का दौर जारी है। और रश्मि ठाकरे का भी वो बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि बागी विधायकों को वापस आ जाना चाहिए, यहाँ तक कि बागी विधायकों की पत्नियों को उन्होंने फ़ोन करके ये गुजारिश की थी कि उन्हें वापस बुला लो, सबका अभी भी स्वागत है, कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी सभी विधायक अपने बागी तेवर अपनाते रहे और बीजेपी का समर्थन करके शिंदे की सरकार बनती नजर आई, यानी कि शिंदे सीएम पद पर बैठते नजर आए। एक शिवसैनिक की सीएम पद पर बैठा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से ही निकाल दिया था एकनाथ शिंदे को। तो अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने ये सब तरजीह रखी गई है कि असल मायने में शिंदे गुट ही शिवसेना के नए मालिक हैं, मतलब यानी कि उनके हक में है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास विधायकों का समर्थन ज़्यादा नहीं, इस वजह से उनके हाथ में शिवसेना की बागडोर नहीं रहनी चाहिए। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या बड़े फैसले होते हैं शिवसेना को लेकर, और क्या मातोश्री के लिए रवाना होते नजर आएंगे बागी विधायक, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।